दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज की थी बॉडी की स्टिफनेस को रिमूव करने की, आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक कंबाइंड एक्सरसाइज है जिसमें हम एक्सप्रेशन, वॉइस और आपकी बॉडी तीनों चीजों को कवर करेंगे। इससे बेनिफिट ये है कि आप एक ही एक्सरसाइज में आप अपना एक्सप्रेशन को भी कवर कर लेंगे, वॉइस को भी कवर कर लेंगे और बॉडी मूवमेंट को भी कवर करेंगे। अब इसको करना कैसे है, आप फेस मूवमेंट से शुरू करेंगे, फेस एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे। आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में फेस को बिगाड़ना है, जैसे हम एक्सप्रेशन की जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें फेस को बिगाड़ते हैं, इस तरह से शुरू करना है। और 10-15 सेकंड जब हम इसको कर चुके होंगे उसके बाद हमें उसमें वॉइस ऐड कर देंगे। कैसे, देखिए ये इस तरह से ऐड होगा। वॉइस ऐड होने के बाद फिर आपको उसमें अपना ये बॉडी मूवमेंट ऐड करना है। कैसे, देखिए ये मूवमेंट ऐड करने के बाद फिर आपको आगे मूव करना शुरू कर देना, या जैसे ही आपके पास स्पेस हो, जगह हो आगे पीछे मूव करने की, ऐसा राउंड मूव करने की। कैसे, देखिए तो ये देखा आपने कि ये एक्सरसाइज हमें किस तरह से करनी है। तो अब जरा हम हमारे एक्टर हैं अमित, उनके साथ हम देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई इस एक्सरसाइज से उनको क्या बेनिफिट हुआ है। साउंड मोमेंट मूव हाँ अमित, अच्छा ये एक्सरसाइज जो तुमने की है इससे तुमको क्या बेनिफिट लगता है, क्या बेनिफिट होता है इससे? सर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, लाइक आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका वॉइस और आपका बॉडी का मूवमेंट, ये तीनों एक साथ इससे पॉसिबल होता है करना। मतलब बहुत टाइम ऐसे होता है हमारा वॉइस और एक्सप्रेशन निकल जाए बट बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है जो सीन का रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें इंपॉर्टेंट होता है और ये यूजफुल होता है हमारे डेली इसमें शूट में। मतलब वो चीजें जो कोऑर्डिनेट होती है सिंक में आ जाती है, राइट? हाँ, तो बॉडी आपका एट अ टाइम मूव करता है, आपका एक्सप्रेशन निकलता है, आपका वॉइस जो चाहिए वो निकलता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बॉडी फ्री भी हो जाती है। एग्जैक्टली, बॉडी फ्री हो जाता है। चलो, मतलब बेनिफिट है ना इसका, बहुत बहुत बेनिफिट। तो देखा अमित ने ये एक्सरसाइज की और जैसा कि उसने बताया कि इसके बेनिफिट्स हैं और एक्चुअल में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो आपकी तीनों चीज़ें एक्सप्रेशन, वॉइस, बॉडी एक ही एक्सरसाइज में कवर होती हैं, तीनों चीज़ें सिंक में आती हैं, कोऑर्डिनेशन होता है तीनों चीज़ों का और हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है जब आप इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं कैमरे के सामने या आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं या क्लास में भी जब हम करते हैं तो धीरे धीरे ना हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। 2-3 दिन जब करते हैं तो फ्री हो जाती है बॉडी, फ्री हो जाती है माइंड, फ्री हो जाता है और मैं क्या कैसा लग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, वो सब चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। और एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मैंने फील किया है वो ये है कि कई बार क्या होता है नए लोगों के साथ इमोशंस आते हैं अंदर, फीलिंग्स अंदर आती हैं और बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आती हैं, बहुत स्ट्रांग इमोशंस आते हैं बट वो कहीं रुक जाते हैं, फ्रीली एक्सप्रेस नहीं होते हैं आपकी बॉडी से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी वॉइस से। ऐसा लगता है कहीं कोई ब्लॉकेज है, वो रुक जाते हैं, खुल के आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो। तो जब इस तरह की मूवमेंट करते हैं, ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं, तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं ना माइंड में वो निकल जाती है, माइंड में या बॉडी में, और जैसा आप फील करते हो, जैसे इमोशंस आपके अंदर आते हैं वैसा आप खुल के आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है बट बहुत बेनिफिट वाली एक्सरसाइज है और जितनी हमारी एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है, कोई उनके लिए आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। बस आपको उनको अपने इन सब एक्सरसाइज को अपने रूटीन में रखना है, जैसे ये एक्सरसाइज हमने की,
आप इससे पहले ओम का उच्चारण कीजिए, फिर वो प्रीत को फेंकने वाली जो एक्सरसाइज है वो कीजिए, उसके बाद ये जो मूवमेंट है इसको कीजिए, तो आपकी जो फिजिकल और इमोशनल जो कंडीशनिंग है वो हो जाती है, जो एक एक्टर को जो कंडीशनिंग चाहिए वो हो जाती है। इसके बाद आप रीडिंग कीजिए 10 मिनट 15 मिनट लाउड रीडिंग कीजिए, तो उसमें फिर आपकी वॉइस डिक्शन स्पीच वो सब उसमें कवर हो जाता है। उसके बाद दिन में आप एक इम्प्रोवाइजेशन कर लीजिए, एक डायलॉग याद करके डायलॉग का प्रैक्टिस कर लीजिए, और कंटिन्यू जब इस प्रोसेस को आप रखेंगे तो एज एन एक्टर कितना इम्प्रूवमेंट आप में आएगा वो आपको खुद महसूस होगा।